नमस्कार, संवाद 365 में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के वो लोग जो हमेशा से हष्ट पुष्ट और ताकतवर माने जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े से बड़े पहाड़ हों या बड़े से बड़ी जो मंजिलें हैं वो उत्तराखंड के लोग जो है वो हासिल कर देते हैं। और ऐसी एक शख्सियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल हैंडसम है, दिखने में बॉडी बिल्डर है, और मेरे साथ जो है आपको डाइट उनसे मिलाता हूँ। मेरे साथ है संदीप हुसैन सर, आपका स्वागत है समाज 365 में। थैंक यू सो मच जो आपने लुधियाना से मुझे यहाँ पे बुलाया उत्तराखंड में। तो मैं आपको बता दूं संदीप जी की क्या खासियत है। संदीप जी मिस्टर लुधियाना रह चुके हैं, मिस्टर पंजाब रह चुके हैं, उसके अलावा जो है मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। इनकी दमदार मसल्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हष्ट पुष्ट आदमी जो है आज उत्तराखंड का नाम जो है पूरे देश और विदेशों में भी नाम रोशन कर रहा है। तो संदीप जी सबसे पहले बताइए, ये बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको कहाँ से हुआ? मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक तो 2005 से हुआ। 2007 में मैंने सबसे पहले मिस्टर लुधियाना की किताब जीता, उसके बाद 2014 मैंने मिस्टर पंजाब रहा, 2016 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया रहा, 2017 में मिस्टर इंडिया बना था। संदीप जी बात की जाए तो शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या आप बचपन से, मतलब आपका जन्म पहाड़ों में हुआ है या आप लुधियाना से ही आपका जन्म हुआ है? सबसे पहले मेरा जन्म जो हमारे हुआ था लुधियाना में हुआ था, तो मैं लुधियाना में पैदा थी, लुधियाना में हुआ था। मेरे फादर साहब मदर साहब जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं पौड़ी गढ़वाल से, तो फिर उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग किसी एक युवा व्यक्ति जो लुधियाना में देखा था मैंने बॉडी बिल्डिंग, तो उसी से मैंने उनसे मतलब आपको प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक दिन ऐसे बॉडी, हाँ उनसे प्रेरणा मिली मुझे बॉडी बिल्डिंग में। इसीलिए मैंने भी सोचा था अपने मन में, मैंने कहा यार एक बॉडी बिल्डिंग करूँ, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करूँ, अपने उत्तराखंड को काफ़ी आगे तक लेके जाऊँ। तो मैंने मेहनत की काफ़ी, लुधियाना में लिब्रा जिम था तो वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने बॉडी बिल्डिंग की वहाँ पर। तो ऐसे ही काफ़ी बॉडी बिल्डिंग ईजी नहीं है, काफ़ी टफ बॉडी बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी डाइट फॉलो, मेहनत, सवेरे उठना 5 बजे, जिम जाना, 3 घंटे वर्कआउट करना, अपनी प्रॉपर 2-2 घंटे बाद डाइट फॉलो करना, काफ़ी टफ है इसमें। ये बात तो थोड़ा सा ये भी है कि आज के टाइम में तो हर कोई जो है बॉडी बिल्डिंग करने लगा, क्योंकि यूथ बेसिकली हम देखें आज के टाइम पे हर कोई यूथ चाहता है। मेरी बात अलग है कि मेरे मसल्स उतने मजबूत नहीं जितने आपके मसल्स हैं, लेकिन आज के टाइम पे हर युवा जो है वो चाहता है कि उसकी बॉडी बिल्डिंग में हो जाए और उसकी मसल्स हों, क्योंकि आजकल जो है कहते हैं कि लड़कियां भी उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनकी बॉडी बिल्डिंग होती है। इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, फिजिकली इंप्रेस होती है क्योंकि मॉडलिंग के लिए तो फिटनेस जरूरी चाहिए उसके लिए, इसीलिए लड़कियां भी काफ़ी इंप्रेस है बॉडी बिल्डिंग के भी, अपनी फिजिक की भी, जो हमारे उत्तराखंड में और पंजाब में बॉलीवुड में जो काम करते हैं उनका अपनी फिजिक फिटनेस के लिए जरूरी जिम ज्वाइन करते हैं। संदीप जी ये तो मैंने आपकी पूरी बॉडी बिल्डिंग की बात कर ली और आपकी वो कहानी भी हमने जानी कि कैसे शुरुआत हुई इस बॉडी बिल्डिंग की। अब मैं बात करूंगा, आपका एक गढ़वाली गाना लॉन्च हो रहा है, तो उस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसमें पहली बार आप शायद एक्टिंग करें या इससे पहले कर चुके हैं? सबसे पहले उत्तराखंड के लिए मैंने पहली बार काम किया माइक डाले, जो हमारे उत्तराखंड के काफ़ी सुपर एक्टर रह चुके पन्नू गुसाई जी, उनका फर्स्ट सॉन्ग है ये। तो वहाँ पे डायरेक्टिंग हमारे सोनू चौहान जी ने का, फिर वहाँ पे लुधियाना में शूट हुआ। हमारे जो स्टोरी मैन हैं बॉबी जी हैं और हमारे कैमरा मैन जिन्होंने बहुत ही अच्छी खूबसूरती से कैमरा मैन शूट किया, हमारे युवा अपने तो इस गाने का सबसे पहले आपको रोल कैसे मिला, मतलब क्या किसी तरह का कोई ऑफर आया, कुछ बात हुई आपकी या किस तरीके से मिला? मुझे सबसे पहले ऑफर आया जो पन्नू भाई ने भी काफ़ी का, हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ अलग सा डिफरेंट सा सॉन्ग लेके आएंगे, उसमें अच्छा एक अलग सा मॉडल हो। हमारे सोनू चौहान जी जो डायरेक्ट किए, जिन्होंने गाने खूबसूरत से, इन्होंने मुझे ऑफर किया था, संदीप भाई आपने गाना काफ़ी फोर्स किया, इनका मैं बहुत थैंक्स करता, जो हमारे उत्तराखंड के लिए इन्होंने काफ़ी मतलब अलग से काम किया हमारे उत्तराखंड के लिए। तो अगर मैं बेसिकली पूछा जाऊँ, ये तो बात हुई, गाने के अंदर सबसे खास चीज़ आपको क्या लगी जो आपने जब इस गाने को में शूट किया तो उसमें क्या आपको सबसे बेटर चीज़ लगी कि ये कुछ नयापन है जैसे गढ़वाली गानों में उत्तराखंड गानों में? इसमें नवापन ये है जैसे लड़का लड़की प्यार करते हैं, उनके घर के माँ बाप का दबाव होता है, भाइयों का दबाव होता है, जो ज़बरदस्ती किसी लड़के से शादी कर देते हैं, तो वहाँ पर ये प्यार टूट जाता है लोगों के लिए। यही मैं कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं, जो लड़की अगर लड़का सहमत है प्लीज़ उनको मतलब फॉलो करो आप, उनको उत्तराखंड से अपनी जो जहाँ प्यार मिलता है वहाँ सहमति से वो करो। और अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप लुधियाना में रहते हैं, क्या उत्तराखंड से आज भी आप जुड़े, क्योंकि गानों से तो आपने मैं दिखा दिया एक्टिंग करके कि मैं आज भी उत्तराखंड से जुड़ा हूँ, क्या उसके अलावा भी जो है आप पहाड़ी बोली या भाषा बोल पाते हैं? हाँ, मैं पहाड़ी बोली भाषा सीख सकता, मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने मुझे पहाड़ी
भाषा समझाई है, मैं काफी बोल सकता हूँ उत्तराखंड के लिए गढ़वाली भाषा में। तो लुधियाना में किस तरीके का माहौल है, क्या उत्तराखंड के लोग जो है वहाँ पर मिस करते हैं उत्तराखंड को, या लैंग्वेज को लेकर कल्चर को लेकर लोग जागरूक हैं? उत्तराखंड के लोग पंजाब में नहीं मिस करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उत्तराखंड के लोगों को पूछो तो यही कहता मैं पंजाबी हूँ, मैं उत्तराखंड से कोई बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ उत्तराखंड लुधियाना में मैं भाई गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो संस्था है यू आर राठी के नाम पे है, तो मैं तो हमेशा उत्तराखंड के लगाव पे हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आप जो यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का अगर वो करियर लेके चल एज ए करियर, तो उसमें आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो बॉडी बिल्डिंग कैरियर में ले जाते हैं उनके लिए यही है, सबसे पहले तो आप तो नशे से दूर हो और अपनी बॉडी बिल्डिंग कैरियर में सबसे पहले अपनी डाइट, वर्कआउट, अपना प्रॉपर जो भी अपना टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने जिम में दो, क्योंकि आगे एक बिजनेस के तौर पर भी बॉडी बिल्डिंग का अपना बिजनेस है, जिम खोल सकता है कोई आदमी, कोई फिटनेस मॉडलिंग में जा सकता है, कोई फिल्म में अपने फिल्म में रोल मिल सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने युवा पीढ़ी को, नशे से प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप नशे से बचो और अपनी बॉडी बिल्डिंग फिजिक में फिटनेस में ध्यान दो। तो आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा, बॉलीवुड की वो कौन सी सेलिब्रिटी है जो कि जो है आप उससे बॉडी को लेकर जो आप सलमान खान को छोड़ के जो आप इंस्पिरेशन लेते हैं? मैं तो जॉन अब्राहम सबसे बेस्ट बॉडी है उनकी, जॉन अब्राहम की जो है आपको बॉडी बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी बॉडी उनकी, उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। सलमान खान चलो बॉडी बिल्डर है, काफ़ी सेलिब्रिटी है, काफ़ी स्टार है, लेकिन जो फिजिक्स जॉन अब्राहम की फिटनेस मॉडल की है सबसे बेस्ट है। चलते चलते आखिर मैं ये पूछूंगा, अब जो है उत्तराखंड की इंडस्ट्री के लिए, यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो अपने उत्तराखंड के लिए भाई मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप अधिक से अधिक नशे से दूर हो, अपनी बॉडी बिल्डिंग वाल, अपनी फिजिक वाल ध्यान दो, अपने खेल जगत में ध्यान दो और इसी से आप आगे निकल सकते हो, नशे में कुछ नहीं रखा और आप अगर अच्छे तरीके से चले गए हमारा उत्तराखंड काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो ये थे मेरे साथ संदीप गुसाई, जिन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग के दम पर जो है पूरे देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया, और अभी हाल ही में उनका जो है एक उत्तराखंडी गाना लॉन्च हुआ है जिसमें कि उनकी बॉडी के जलवे जो है आपको गाने के अंदर भी नजर आएंगे, उसके साथ इस गाने में खूबसूरत लोकेशन नजर आएंगी, साथ ही साथ वो मैसेज भी युवाओं को देते हैं कि नशे से दूर रहे और अपनी फिटनेस पे ध्यान रहें, तभी जाकर जो है आप उत्तराखंड और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं अहमद गुसाई, संवाद 365 देहरादून।